बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं क्रीमी और चॉकलेटी लेयर पेस्ट्री। उसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पे 2 कप दूध। ये 2 कप था, मैंने इसमें डाल दिया। इसको हम करेंगे बॉयल। कच्चा होगा तो भी उबाल लेंगे, मेरा पहले से बॉयल था लेकिन इसके बावजूद उबालेंगे क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था और हमने इसको करना है गर्म। हीटअप करेंगे इसको, अच्छे से उबालेंगे। ये पेस्ट्रियाँ बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगी और विदाउट बेकिंग तैयार होंगी। हम इसमें केक बेक नहीं करेंगे। चीनी ले लेंगे हम इधर 1/2 कप। अगर आप ज़्यादा खाते हो तो ज़रूर ज़्यादा ले लेना, थोड़ा सा और बढ़ा लेना, लेकिन बस इससे ज़्यादा ना लीजिएगा वरना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि चॉकलेट भी मीठा होता है। तो आपने अगर चॉकलेट कंपाउंड यूज़ करना है तो आप चीनी बढ़ा लीजिएगा यहाँ पर, और अगर आप चॉकलेट बाज़ार का लेते हैं मार्केट का तो फिर आप चीनी इतनी ही डालिएगा। इसको ऐड कर देंगे। वनीला एसेंस यहाँ पर मैं ऐड करूँगी, चन ड्रॉप। वनीला एसेंस से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, क्रीमी टेक्सचर भी के साथ साथ, जैसे केक में खुशबू आती है ना मार्केट के, वैसी ही इसमें से खुशबू आएगी। बहुत ही अच्छा सा ये बन के तैयार होगा। 3 से 4 ड्रॉप डालेंगे, हमने ज़्यादा नहीं डालने हैं, और फ्लेवरिंग नहीं करनी है आपने बिल्कुल भी। ये भी इसमें चले गए हैं। अगर आपके पास किसी के पास भी कोई एसेंस ना हो, वनीला एसेंस ना हो, तो आप इसके अंदर इसकी जगह पर पिसी हुई इलायची का जो पाउडर होता है ना, वो एक चुटकी डाल दीजिएगा, तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त बन के ये तैयार हो जाएगी आपकी पेस्ट्री जो है ना। लेकिन जो वनीला डालते हैं ना तो उससे फिर ये बिल्कुल बाजार जैसा टच आता है पेस्ट्री में, ठीक है? यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले लिया था जो कि मैंने थोड़े से ठंडे दूध के अंदर इसको मिला के, मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था और थोड़े से ठंडे दूध में मैंने इसको अच्छे तरीके से हल कर लिया है। बिल्कुल गिटली नहीं रहनी चाहिए, देखें इस तरीके से, ठीक है? इस तरह से हम इसको लेंगे और इस तरह आपने फेंट के पहले से रख लेना, ये काम आपने पहले से कर लेना, क्योंकि जल्दी जल्दी से कहाँ होने वाला काम है, फिर बाद में परेशान होते हैं हम जब हम इसको पकाने के लिए चढ़ा देते हैं, फिर हमारी चीज़ें जो होती हैं वो तैयार हुई हुई नहीं होती हैं। चलिए, वो जो मैंने डाला था कॉर्नफ्लोर वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाहते हो तो इसमें कस्टर्ड भी डाल सकते हो, वनीला कस्टर्ड डाल देना या बनाना कस्टर्ड डाल देना, जो सा आपको अच्छा लगे, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, कोई सा भी कस्टर्ड आप इसमें डाल सकते हो 2 चम्मच, ठीक है? तरीका यही होगा कि ठंडे दूध में डालेंगे। अच्छा, मक्खन मैंने डाल दिया इसमें, मक्खन हमने लाजमी डालेगा इसके अंदर। मक्खन हमने डालना 1 चम्मच। अगर आप बटर ना डालना चाहें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, बट कुकिंग ऑयल में थोड़ी स्मेल नहीं होनी चाहिए। घी भी डाल सकते हो आप, तो इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। घी थोड़ा सा, ये मक्खन जो होता है ना, बटर जो होता है, इसको ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी टच देगा इसको। चले जी, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसके अंदर ये ब्लैक किशमिश होती है ना, इसको ये थोड़ी सी ले लेंगे। 1 चम्मच मैंने ले लिया ब्लैक किशमिश बारीक वाली, केक में अमूमन डली होती है आपको पता होगा, और थोड़ी सी मैंने टूटी फ्रूटी, इसको ही मैंने बारीक काट लिया। इसके अंदर हमने इसको ऐड कर दिया। इसकी थिकनेस चेक करें, इसको इतना ही पकाएंगे, 3 से 4 मिनट पकाओगे आप तो ये आपका इस शक्ल में आ जाएगा, ठीक है? चलें, इसको करेंगे हम साइड पे। ये देखें थिकनेस इसकी देख लो, इतनी ही रहेगी, थोड़ी सी ठंडी होके और फ्रिज में जाने के बाद ये मज़ीद ठंडा सा क्रीमी टेक्चर पे आ जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं नीचे से, सेंटर से, 1-1/2 मिनट और बना लेते हैं इसको, कहीं ऐसा ना हो बाद में, क्योंकि अगर थोड़ा सा पतला रह जाएगा ना तो ये आपके फिर केक पे एडजस्ट नहीं होगा। उसको मैंने रख दिया साइड पे ठंडा होने के लिए, जब तक हम नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। आपने कोई सा ही पुराना पैन ले लेना, पुराना हो या नया, कोई सा भी ले लीजिएगा, ख़राब नहीं होता। उसमें डाल लेना है आपने पानी, और उसमें आपने डाल लेना है इसे सिल्वर का एक बाउल, ठीक है? अमूमन लोग इसको कांच के शीशे के बाउल में दिखाते हैं, और अमूमन लोगों को ये नहीं पता होता जो घर में बनाने वाली खवातीन हैं, कि ये देखें चॉकलेट डालेंगे इसके अंदर, कि जो शीशे का जो होता है ना हीट प्रूफ बॉल अक्सर नहीं होता, और जब होता है तो वो भी टूटता नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि ये टूट जाता है। अगर वो आपके पास नहीं होता ना जैसे हीट प्रूफ ओवन वाला, तो फिर वो टूट जाता है, इसलिए मैं आपको सिल्वर के पे बता रही हूँ। सिल्वर का ऐसा कोई डाल लीजिएगा, मार्केट से आपने ले लेना है चॉकलेट कंपाउंड ले लीजिएगा, या फिर आप जो चॉकलेट आती है रेगुलर चॉकलेट बारदा जो बच्चे खाते हैं वो चॉकलेट ले लीजिएगा, थोड़ी सी इसमें तोड़कर डालिएगा। मैंने होममेड चॉकलेट है मेरी, इसका मैं लिंक डाल दूंगी बॉटम में, अगर आप लोगों को देखना हो तो ज़रूर देखिएगा। मैंने चॉकलेट बना के रखी होती है और मैं अक्सर रेसिपीज़ में इसी को यूज़ करती हूँ। चॉकलेट को हम कर लेंगे मेल्ट पानी के साथ, ठीक है? यहाँ पर यह ठंडा होता चला जा रहा है, और चॉकलेट के अंदर मैंने डाला था 1/2 कप दूध, और उसको हमने मेल्ट कर दिया, उसको भी हमने ठंडा करने रख दिया था। चलिए, यहाँ पे मेरे पास ये क्रीम है, घर की जो मलाई होती है ना, ये वही है, ये 2 से 3 चम्मच जो है घर की क्रीम है, गाढ़ी गाढ़ी सी जमी हुई। अगर आपके पास ये ना हो तो स्किप कर दीजिएगा, जैसे वैसे भी अच्छे बन जाएंगे, लेकिन जबकि हम पेस्ट्री बना रहे हैं तो इसमें मलाई का क्रीम का होना तो बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मैं थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी और इसको हम कर लेंगे मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे इसी क्रीमी टेक्सचर में जो कि हमने तैयार किया था कॉर्नफ्लोर और मिल्क के साथ। थोड़ी सी चीज़ों के साथ आप बहुत ज़्यादा पेस्ट्रीज बना के तैयार कर लेंगे। आपके घर में अगर गेस्ट आ रहे होंगे या फिर आपको किसी भी शाम के चाय के साथ इवेंट पे खानी होगी तो आपको ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ,
और ये देखें ऑलपर्स की क्रीम भी मैं इसमें डालूंगी, जो कि आधा कप डालूंगी मैं, यानी कि डिब्बा जो लेंगे ना हाफ डब्बा हम इसमें डाल देंगे। चलिए जी, तकरीबन आधा कप के करीब हम डाल देंगे ये क्रीम, जो बाज़ार से आसानी से अवेलेबल होती है। ये क्रीम इसके अंदर लाजमी जाएगी, व्हिपिंग क्रीम हम इसमें नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसी क्रीम से ये बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। चलिए अच्छे तरीके से हिला लेंगे इनको ताकि ये सब एक जान हो जाएं। अब हम बनाएंगे रस्क, ठीक है, हमने इनको बनाना है रस्क से। ये वाले रस्क लेने हैं आपने, जो ये चकोर चकोर होते हैं ना बाज़ार में मिल जाते हैं, स्मॉल साइज़ के चकोर पीस, ये देखें आपको दिखाती हूँ मैं निकाल के, तो ये देखें चकोर से पीस हैं ये। इस तरीके से हम इसी से तैयार करेंगे, इम्प्लीमेंट इसके ऊपर ही होगा, हमें केक बनाने की और इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फटाफट से तैयार होगी, बहुत अच्छी तैयार होगी। 10 मिनट में आपको इतनी खूबसूरत और खुशगल पेस्ट्री बना के दिखाएंगे कि आपको दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे हमने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ रस का एक एक पीस लेते जाना है और इसके ऊपर अप्लाई करते जाना है अपना तमाम वो सामान जो कि हम करना चाहते हैं। एक अदद प्लेट रख लीजिएगा नीचे, ताकि जो भी हमारी क्रीम या चॉकलेट हो नीचे ना गिरे, ताकि हमारा जो है सरफेस गंदा ना हो। चलें इसके ऊपर हम वो जो क्रीम हमने बनाई थी ना इस तरीके से, ये देखें ये क्रीम लगाएंगे यहाँ पर। अच्छे तरीके से अप्लाई कीजिएगा, आप बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा, अच्छे तरीके से आपने क्रीम अप्लाई करनी है। और इसके ऊपर हमने दूसरा पीस उठा के रस का ऐसे रख देना, ठीक है। और क्या याद रहे, कई लोग इसको ना ब्रेड के साथ बहुत ही मुश्किल सी रेसिपी के साथ आपको बताएंगे, शेयर करेंगे, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि ब्रेड को पहले लेंगे जी, फिर उसके बाद हमने इसको क्या कहते हैं वो ऑयल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि इसको सुर्ख करना है, इसको इस तरह कुरकुरा करना है, फिर उसके पीसेस कट करके इसको पता नहीं क्या क्या, तो आपने वो सब कुछ नहीं करना, उस पर ध्यान नहीं देना आपने। जिन्हें आप बिल्कुल आसानी से ले लेना है रस का एक पैकेट जैसे कि मैंने लिया है, और उसके अंदर आपने लगा लेना है, अपनी मिट कर लेना अपनी चीज़ों का पसंद की। अगर आपको चॉकलेट ना पसंद हो तो आप टोटल क्रीम भी लगा सकते हो। मैंने इसका बना लिया सैंडविच, ये देखें क्रीमी एंड चॉकलेटी सैंडविच बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं हमारे। अभी इसके ऊपर भी हम अभी जाइएगा कहीं नहीं, अभी इसके ऊपर भी मैं इम्प्लीमेंट करूँगी, टोटल सैम्पल करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर भी हम क्रीम ही लगाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ये पेस्ट्री बनके तैयार होगी। आप यकीन करें कि आपके बच्चे आपके घर वाले खुश रहेंगे। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल पे, अगर चैनल पे नए हैं तो। ये देखिए इतनी खूबसूरत ये बनके तैयार होगी ना कि आप लोगों को कोई कोई जज नहीं कर सकेगा कि आपने इसको घर में तैयार किया है। चलें ये देखें ये हमारी जो है ये बिल्कुल तैयार हो गई है। इसके ऊपर अभी हम डालेंगे थोड़ी सी कुछ गार्निशिंग, आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़े से आलमंड क्रश कर लिए थे, वो मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं इस तरीके से, और टूटी फ्रूटी जो कि मार्केट से आसानी से अवेलेबल होती है, बहुत ही सस्ते में मिल जाती है, उसको आप यहाँ पे कट करके इसके ऊपर ऐसे करके लगा देंगे, तो ये बहुत ही खूबसूरत और गुड लुकिंग से आपकी ट्रिपल लेयर पेस्ट्री जो है वो तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से मैं सारी संभल करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें सेकेंड में मैंने इसी तरीके से लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़े से, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, आप इसके ऊपर आलमंड डाल लें, आप इसके ऊपर ये जो स्प्रिंकल होते हैं ना, ये देखें स्प्रिंकल भी है मेरे पास, मैं थोड़े से स्प्रिंकल डाल दूंगी, बच्चे बहुत खुश होते हैं कलरफुल स्प्रिंकल देख के। आप इस पर स्प्रिंकल भी डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, आप इसको चॉकलेट क्रश करके डाल सकते हैं, एवरीथिंग जैसे आप चाहें वैसे करें। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये पेस्ट्री बनाई है मैंने, और इसको आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो फीडबैक दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखें कितनी खूबसूरत और गुड लुकिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी अट्रैक्शन है इसमें। तो इसको भी रखेंगे हम फ्रिज में, इस तरह नहीं खाना, इसको फ्रिज में रखने के बाद हम एक घंटा डेढ़ घंटा इसको फ्रिज में रखेंगे, टोटल सब चीज़ें ठंडी उड़ेंगी, चॉकलेट भी हमारी क्रीम भी, और ये बिल्कुल आइस केक की मानी लगेगा, और बहुत ही मज़ेदार सी डिलीशियस सी आइसक्रीम केक आपका तैयार हो जाएगा। चलिए जी, मिलाई चॉकलेटी केक अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और एक छोटा सा फीडबैक देना ना भूलिएगा। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में हमको याद रखिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।